हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए, कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे नंबर वन पर आता है एजिनोमोटो, यानी कि आपको चाइनीज़ फूड नहीं खाना है। चाइनीज़ फूड में एजिनोमोटो डाला जाता है, जो कि या तो आपका मिसकैरेज कर सकता है या फिर बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर दो पर आता है बथुआ। देखिए, बथुआ जो है मिसकैरेज कॉजिंग एजेंट होता है उसमें, तो इसलिए आपको बथुआ नहीं खाना है। अगर आपको फिर भी खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कम मात्रा में ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप अच्छा रहेगा कि आप इसे अवॉइड करिए अर्ली प्रेगनेंसी में, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद से ही आप स्टार्ट कर दीजिए इसको अवॉइड करना। अगर आप बाकी आप सरसों का साग वगैरह जो होता है उसको कम मात्रा में ले सकते हैं। नंबर थ्री पर आएगा पपाया, रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपीता। देखिए, कच्चा पपीता जो है स्पेशली नहीं खाना चाहिए। पक्का पपीता हम खा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगी आपको पपीता को ऑल्टोगेदर अवॉइड करिए पूरी प्रेगनेंसी में ही, क्योंकि जो है ये काफ़ी गर्म रहता है एक तो, और इससे आपकी जो है यूट्रस में हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से चीकू जो है अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद से लेकर अर्ली प्रेगनेंसी तक, क्योंकि वो भी आपकी जो है हीट प्रोड्यूस करता है यूट्रस में, जो कि आपके एम्ब्रियोज के लिए और बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। खासकर इम्प्लांटेशन के दिनों में आप ये खास ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, जिसको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पेशली बताना चाहूँगी कि रिसेंटली ये देखा गया है कि जो गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध है, उससे जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थिन होती है, तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं और बेबी की एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो इसलिए आप हल्दी वाला दूध ना लें। आप सब्जी में थोड़ी बहुत हल्दी हम थोड़ी बहुत डालते हैं, आप वो खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो है हल्दी वाला दूध आपको नहीं लेना है। इसके अलावा कुछ लोग जीरा वाटर भी पीते हैं, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। उसमें क्यूमिन होता है और उसके लिए वो भी मिसकैरेज करने के लिए जो है माना जाता है, तो इसलिए आप जीरा वाटर नहीं लें। आप सब्जी में जीरा थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट एज सच आप रायते वगैरह में जैसे जीरा डालकर भून कर खाते हैं, आप उसको भी अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जनरली आप बहुत ज़्यादा खट्टे जो है फ्रूट्स को जो है अवॉइड करेंगे, जैसे कि अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। पाइनएप्पल भी आप अवॉइड करिए। पहले एक बार ऐसा देखा गया था कि पाइनएप्पल से जो है इम्प्लांटेशन अच्छी होती है, बट ऐसा अब रिसेंटली देखा गया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पाइनएप्पल खाते हैं नहीं तो, क्योंकि पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा खट्टा जो पाइनएप्पल रहता है वो आपको नहीं खाना है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा खट्टे अंगूर जो है वो नहीं खाने, आप मीठे वाले अंगूर आप खा सकते हैं, जो बस उसमें बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो वो आपको अवॉइड करने हैं, मीठे वाले आप खा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, गर्म तासीर की आपको चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करनी है, और अगर आप फिर भी खाना चाहते हो तो कम क्वांटिटी में लेनी है, जैसे कि चने की दाल है, चने की रोटी है, बाजरे की रोटी है, और जो है छोले हैं, खजूर हैं। देखिए, खजूर काफ़ी गर्म रहते हैं और ये आपको अवॉइड करने हैं। देखिए, अगर आप स्प्राउट्स लेना चाहते हैं तो स्प्राउट्स को आप कच्चे नहीं खाएंगे, आप गर्म बहुत तेज़ गर्म पानी में इसको थोड़ी देर के लिए डाल देंगे ताकि वो थोड़े से पक जाएं, अगर आप खाना चाहते हैं तो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इसे थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें जो है कच्चे उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन में थोड़ा सा हिंड्रेंस कर सकते हैं अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो। और बाकी बाहर का खाना आपको ऑल टुगेदर जो है अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। आपको हमेशा घर का बना हुआ और फ्रेश खाना खाना है, बासी खाना भी नहीं खाना है। बाकी आपको चाय और कॉफ़ी तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको चाय का बहुत ज़्यादा है कि आप रह ही नहीं सकते, तो आप दिन में एक टाइम ले सकते हैं, एक कप या आधा कप, नहीं तो अच्छा रहेगा कि आप चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें। अल्कोहल तो देखिए जनरली इंडियन लेडीज़ नहीं लेती हैं, बट अगर आप लेते हैं तो आप उसको बिल्कुल नहीं लेना है।